प्यारे बच्चों, आज हम जीव विज्ञान चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन हेल्थ की बात चल रही है और मानव स्वास्थ्य क्या है इसको हम बता चुके हैं, इसके तात्पर्य को भी बता चुके हैं किससे इसका तात्पर्य है। हालांकि हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं और आज हम इसकी विस्तृत प्रमुख जो है समस्याओं और कार्यनीतियों को स्पष्ट करेंगे। तो बात यह है बेटा, जनन स्वास्थ्य, तो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि साधारण रूप से, सामान्य रूप से यानी अंगों का जो है कार्य करना, यानी जनन अंग का मतलब जनन के लिए, जनन कार्यों के लिए जो है साधारण रूप से जो अंग कार्य करते हैं ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य या जनन अंग कहते हैं। लेकिन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, ये परिभाषा जनन स्वास्थ्य को शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी हमारा जो स्वास्थ्य है कैसा स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक स्वास्थ्य, यही हमारा जनन स्वास्थ्य है। और इस जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे भी प्रमुख समस्याएं हैं जो जनन स्वास्थ्य को बाधित करते हैं, अर्थात स्वस्थ अंगों का विकास नहीं हो पाता है और उनके सामने अनेक प्रकार की अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याओं में सबसे पहला नंबर हम बता रहे हैं कि यौनावस्था से पूर्व, जैसे बालक बालिका हैं, तो बालक बालिकाएं क्या होती हैं, यौनावस्था में अर्थात वो परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाते हैं और उनका यौनावस्था से पूर्व ही विवाह या शादी कर दिया जाता है, जिससे उनके अंग भी, जनन अंग भी परिपक्व या मैच्योर्ड नहीं हो पाते हैं। और मादाएं जो होती हैं अर्थात बालिकाएं जो होती हैं, इनके गर्भधारण की अवस्थाएं भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं और इन्हें जो है सामाजिक बंधनों में बांध दिया जाता है, अर्थात इनका विवाह कर दिया जाता है। तो गर्भधारण से जो होता है इनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, अर्थात ना तो स्वस्थ शिशुओं का जन्म दे पाती हैं और ना ही उनका ही स्वास्थ्य अच्छा होता है, अर्थात जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पर्याप्त पोषण व समुचित देखभाल के अभाव में भी, कहने का मतलब है जो भी युवक हैं, नवयुवक, भावी पीढ़ी है, इन पीढ़ियों को जो है उचित पोषण न मिलने पर, इनका समुचित देखभाल न होने पर, अर्थात इन्हें जो है एक अच्छा मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और अच्छा मार्ग न मिलने पर इनमें भी कुछ न कुछ ऐसी यानी कार्यनीतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण ये अपने मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात इनका विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या इनका हर प्रकार का विकास जो होता है वो बाधित हो जाता है। तीसरी बात ये है कि मानव में धर्म परंपरा है। भाई कहते हैं कि हम लोग धार्मिक विचारधारा के लोग हैं,
और धार्मिक विचारधाराओं का भी समाज में कुछ ऐसी मान्यता होती है, जैसे रीति रिवाज परंपराएं हैं, इन परंपराओं के अनुसार लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को जीवन यापन करते हैं। तो इसमें ये भी परंपराएं क्या होती हैं, युवकों के विकास में बाधक होती हैं। जैसे कम उम्र में बालिकाओं की मैरिज होना, शादी विवाह होना अच्छा धर्म समझते हैं लोग, कहते हैं कि इन्हें जो है मेनिस्ट्रुअल टाइम से पहले ही इनका जो होता है विवाह कर दिया जाए तो अच्छा धर्म समझा जाता है, पवित्र माना जाता है। ऐसी रूढ़वादिता विचारधाराओं के अनुसार अगर यदि हम इनके विवाह को संपन्न कर देते हैं तो इनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो भी विकास होता है वो सारे के सारे विकास क्या होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं और वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं और अल्प आयु में ही जो है उनका समापन हो जाता है। चौथी बात यह है कि कम उम्र में विवाह होने से संतान के जन्म दर में वृद्धि होती है। यानी इसकी एक समस्या और है कि जैसे यदि युवकों की जो है कम उम्र में अल्प आयु में विवाह प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है तो इससे शिशुओं के जन्म देने की दर जो होती है महिलाओं में वो बढ़ जाती है और इससे क्या होता है जनसंख्या विस्फोट भी हो सकता है, या फिर कहिए कि समुचित प्रकार से जो होता है उन शिशुओं का, उन युवकों का सही से जो है विकास नहीं हो पाता है और वे क्या होते हैं किसी न किसी प्रकार के जो हैं रोगों से क्या होते हैं ग्रसित हो जाते हैं, या फिर समझिए कि वो अपने आप के स्वास्थ्य को समुचित रूप से बना नहीं पाते हैं, अपना विकास नहीं कर पाते हैं और वो दूसरों पर आश्रित रह जाते हैं। पांचवी बात ये है कि जननांगों की स्वच्छता एवं स्वस्थता की जानकारी के अभाव में यौन जनित रोगों का जो होता है प्रभाव अर्थात बढ़ता है। कहने का मतलब है यदि छोटे उम्र में है तो उन्हें ये जानकारी नहीं है कि जनन अंगों को या यौन जनित जो भी जनन अंग हैं इन अंगों को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, कैसे इनकी स्वच्छता की जाती है, कैसे इनकी सफाई की जाती है और कैसे इनमें परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, इसका इन्हें ध्यान नहीं रहता है और वो अनियमित कार्य करते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए और जागरूक होने से क्या होगा वे अपने आप की स्वच्छता पर, अपने आप की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे जिससे जनन अंगों की स्वच्छता बनी रहेगी। और छठा नंबर ये है कि परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान न होने से सामान्य या जनसंख्या में क्या होता है वृद्धि का होना। कहने का मतलब परिवार नियोजन कि आज देख रहे हैं कि अनेक प्रकार की विधियां जो हैं परिवार नियोजन की सामाजिक दृष्टि से उपलब्ध हैं और जो लोग जागरूक हैं इन विधियों को बराबर यूज कर रहे हैं अर्थात प्रयोग कर रहे हैं, और जिनके प्रति ये जागरूकता नहीं है, जो लोग नहीं जागरूक हैं इनसे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वे लोग क्या करते हैं अनियमित रूप से यौन संबंध बनाते रहते हैं जिससे अनेकों यानी शिशुओं का जन्म होता जा रहा है अर्थात उनकी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है। अर्थात वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन समस्याओं के निदान हेतु हमें क्या आवश्यक है, इस चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है। तो इसके लिए बहुत से कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं, जैसे कुछ तो अस्थाई रूप से हैं और कुछ ऐसे अस्थाई रूप से हैं। जैसे परिवार नियोजन की दो विधियाँ हैं, एक जो है अस्थाई
और दूसरी क्या है, अस्थाई यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट दोनों प्रकार की विधियां हैं। तो टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जैसे कॉपर्टी है, लूप है, कंडोम है, अनेक प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जिसका यूज करने से, उपयोग करने से और मन चाहा जब तक चाहेंगे नहीं वे शिशुओं के जन्म की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, जिससे परिवार में सदस्यों की संख्या क्या होगी, नियमित होगी और परिवार क्या होगा, हर प्रकार से स्वस्थ रहेगा। परिवार की सारी आवश्यकताएं क्या होंगी, पूर्ण होंगी और अधिक से अधिक अनियमित जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे भोजन की समस्या, वस्त्र की समस्या, शिक्षा की समस्या, हाँ सामाजिक स्तर की समस्या, हर प्रकार की समस्याएं क्या होती हैं, सामने उभर कर आ जाती हैं। तो परिवार नियोजन के संसाधनों का उपयोग करने से परिवार में सदस्यों की संख्या भी क्या होती है, सीमित रह सकती है। अगली बात इसमें है कि जो अस्थाई व्यवस्था है, अस्थाई व्यवस्था का मतलब जिसको एक दो संतान हो चुके हैं, जैसा कि हमारे सामाजिक स्तर पर या फिर कहिए कि हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं कि हमारे पास दो संतानें होनी चाहिए, या फिर अगर और लोग अपने को सीमित रखते हैं तो हम दो हमारे एक होना चाहिए, या फिर क्या होता है हम दो हमारे दो होना चाहिए, इसी ऐवान का पालन करना चाहिए, इस चीज़ को जो है, इस योजनाओं को समझना चाहिए और इन योजनाओं को समझने से परिवार में सदस्यों की संख्या भी क्या होगी, सीमित होगी और इसके साथ साथ परिवार की हर प्रकार की कार्यप्रणालियाँ क्या हो देंगी, आसानी से संपन्न हो सकती हैं। तो अस्थाई विधियों में जैसे वैसेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी है, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी यानी नसबंदी और नलबंदी। नसबंदी का यूज जो होता है पुरुषों द्वारा किया जाता है, इनकी शुक्रवाहिकाओं को क्या करते हैं, कटअप करके बांध दिया जाता है यानी काट करके बांध दिया जाता है, जिससे मैथुन के समय क्या होता है, शुक्राणुओं का जो होता है स्खलन नहीं होता है और ये मादा के गर्भाशय में मैथुन तो होता है लेकिन क्या होता है, शुक्राणुओं का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे गर्भधारण की अवस्थाएं उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। और इसके बाद जो होता है ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है नलबंदी, ओ सॉरी हाँ नलबंदी होता है और इस नलबंदी के माध्यम से क्या होता है, यानी कि महिलाओं की जो अंडवाहिनी होती है इसे क्या करते हैं, कटअप करके क्लोज कर दिया जाता है और जब कभी आवश्यकता हो शिशु की तो इसे खोला भी जा सकता है और ये अस्थाई विधि होती है। इसके पश्चात इसको अपनाने से क्या होता है, शिशु दर जो होती है समाप्त हो जाती है, अर्थात हर क्रियाएं तो हैं लेकिन शिशुओं का जन्म नहीं उत्पन्न हो सकता है, या फिर कहिए मेनिस्ट्रुअल की प्रक्रिया भी में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन तो विशेष नहीं होता है, ये चलता रहता है, लेकिन बात यह है कि इसके द्वारा जन्म देने की जो शिशुओं की बात है वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो आज हम आप लोगों को यही तक बता रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा बताएंगे यौन जनित रोग कौन कौन से होते हैं और इसके साथ साथ फिर जो है जनसंख्या विस्फोट एक क्वेश्चन आता है, बहुत कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।